कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है जया और मैं पुणे से हूँ और रूपाली माँ और सोलपीस ग्रुप से लगभग 1 साल 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ और शुरू से ही मैं SBC प्रैक्टिसेस भी रेगुलरली करती आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ कि जो सिर्फ SBC प्रैक्टिसेस सुनने से मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। तो दोस्तों, लगभग 10 साल से ऊपर मैं सिगरेट स्मोकिंग करती थी। दिन के कुछ 5 से 8 सिगरेट्स तो इजीली हो जाते थे, वीकेंड्स को तो उससे भी ज़्यादा होते थे। अगर हम कहीं बाहर गए और मैंने ड्राफ्ट बियर वगैरह मंगाया तो इजीली 12 से 15 तो हो ही जाते थे। और ये मेरा एडिक्शन इतना बुरा था कि मैंने एटलीस्ट वो 10 साल में 3 बार छोड़ने की कोशिश की थी, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। लाइक मैक्सिमम मैं 6 महीने से तो ऊपर छोड़ नहीं पाती थी, वापस से वो आता था और मेरा काउंट और अग्रेसिवली बढ़ता था। तो मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया था। बहुत मैं सोचती थी कि मुझे छोड़ना है, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये नामुमकिन है कि मैं कैसे छोड़ूं। पर रूपाली माँ के जो SBC प्रैक्टिसेस है वो मैं सुनने लगी और पहले ही महीने में मेरा जो 5 से 8 सिगरेट का काउंट था वो एकदम से 1 सिगरेट हो गया। तो उसके बाद लगभग 2 महीने SBC करने तक मैंने वो सुबह सुबह मैं सिर्फ 1 ही सिगरेट दिन का लेती थी और अपने आप ही उसके बाद मेरा सिगरेट पूरा छूट गया। और एक वो दिन है, उसके बाद अभी 1 साल के ऊपर हुआ है मुझे SBC प्रैक्टिस करते हुए और तब से लेके अब तक मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है। और सिर्फ सिगरेट नहीं दोस्तों, इवन मैं वीकेंड को जाके जो मैं ओकेजनली ड्रिंकिंग करती थी वो भी मेरा पूरा बंद हो गया है। मतलब अभी मैं सोच भी नहीं सकती, उसका जो स्मेल है उसी से मुझे इरिटेशन होता है। भले ही मेरे आसपास कितने भी लोग सिगरेट पिए, शराब पिए, नॉनवेज खाए, चाय कॉफ़ी पिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी अभी इन चीज़ों के ऊपर उठ चुकी हूँ सिर्फ SBC प्रैक्टिसेस सुन के। इतनी ताकत है माँ के SBC प्रैक्टिसेस में। आपके पुराने से पुराने जो एडिक्शंस है वो पूरी तरीके से आपको छोड़ के चली जाती है। और ये माँ ने रिपीटेडली BG सेशंस में भी समझाया है कि जैसे दिव्य एनर्जी माँ से कनेक्ट करके क्या होता है कि साक्षात राधा माँ और कृष्णा की एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवेश करने लगती है, तो नेचुरली हमारे अंदर जो राजसिक और तामसिक जो एनर्जी है, जो ब्लैक और ग्रे एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे होके साफ होके पूरा आपको छोड़ती है। तो मैं ये कहूंगी ही नहीं कि मैंने सिगरेट को छोड़ा है, बल्कि ये कहूंगी सिगरेट ने मुझे छोड़ दिया है। और सिर्फ सिगरेट ने ही नहीं, नॉनवेज ने, ओकेजनली जो मैं दारू पीती थी, मुझे हम लोग पढ़ते हैं ना जैसे कि वाइन इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ, एक आधा पैग अगर आप विस्की का या ब्रांडी का अगर आप ठंडी के मौसम में अगर आप लो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मीडिया ने वगैरह फैलाई है ताकि ये जो बेवरेजेस है इनका सेल हो। तो बट माँ ने जो BG 57 में 3 मोड्स के बारे में जो समझाया है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, वो आप ज़रूर सुनिए। उससे सुन के वो एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर रहा। उससे आपको एक्चुअली पता चलता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी आपको कितनी हानि पहुंचाता है। और जब ये रियलाइजेशंस होते हैं और खास करके जिस तरीके से माँ एक्सप्लेन करते हैं उससे तो हम बिल्कुल वो मतलब पूरा हमें इतने अच्छे तरह से समझ में आता है कि हम उसको भूलते ही नहीं। तो आप लोग भी SBC प्रैक्टिसेस आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके भी फैमिली में कोई अगर एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है तो उन्हें आप SBC प्रैक्टिसेस ज़रूर आप चलाइए उनके आसपास, या उनको चलाने के लिए कहिए, माँ से जुड़ने के लिए कहिए। और आप देखेंगे बिना कोई भी मेहनत के, मुझे ना कोई विल पावर लगा, वो बोलते हैं ना एंटी एडिक्शन वाले कि आपको विल पावर चाहिए या आपको निकोटीन अगर आप रिप्लेसमेंट आपको कोई पैच चाहिए या कोई दवाई चाहिए, च्युइंगम वगैरह आता है उसका, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज बस माँ ने ही सब कुछ कर दिया, SBC प्रैक्टिसेस ने ही सब कुछ कर दिया। तो कुछ नहीं है, बस एनर्जी का खेल है,
आप साक्षात राधा माँ कृष्णा जी की एनर्जी आप रूपाली माँ के थ्रू आप फील कीजिए, आप रूपाली माँ को सरेंडर कीजिए, उनका प्यार फील कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने माँ से सीखी, जिस वजह से मैं अभी इस मार्ग पे मैं टिकी रह पाई हूँ। वो है कि माँ ने हमें समझाया बीजी सेशंस में कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में वास करते हैं, तो हमारा हृदय जो है, हमारा बॉडी जो है हार्ट, वो गंदा नहीं रह सकता, है ना। तो जब हम ये तामसिक पदार्थ जब हम लेते हैं, चाहे वो सिगरेट है, शराब है, चाय कॉफी है, नॉनवेज है, चाहे हम वो कितने भी कम मात्रा में ले ले, आप खुद को समझा लोगे कि अरे एक ही तो कप चाय है, अरे एक ही तो पैग दारू है, पर जहर चाहे वो इतना हो, चाहे वो इतना हो, चाहे वो एक बूंद हो, एक चम्मच हो, वो फिर भी वो जहर है। और अगर आप इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके हृदय में परमात्मा का वास है, तो इन चीजों को आप हाथ ही नहीं लगा पाओगे। जब आपको ये डीपली एहसास होगा तब आप हाथ ही नहीं लगा सकते इन चीजों को। और दोस्तों पता है बेस्ट पार्ट क्या है, कि जब माँ हमें ये चीजों का नॉलेज देते हैं तो माँ हमें बिल्कुल भी जज नहीं करते। ये सोल पीस ग्रुप ऐसी फैमिली है कि कभी ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा आप सिगरेट पीते हो, आप शराब पीते हो, आप नॉनवेज खाते हो, नहीं नहीं नहीं, फिर आप नहीं आ सकते, फिर आप SBC प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, फिर आप कृष्णा जी का नाम नहीं ले सकते, ऐसा आपको कभी भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। रूपाली माँ हम जो है जैसे है, हमें प्यार से एक्सेप्ट करके हमें जो गले लगाते हैं उसी से हमारी सारी हीलिंग हो जाती है। और हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर अंदर वो कैसे इमोशंस है, हमारे अंदर कितना ग्रज है, कितना अनफॉरगिवनेस है, कितना सैडनेस है, कितना विक्टिम कॉन्शियसनेस है। और माँ धीरे धीरे अपने प्यार से और इतने सारे जो नॉलेज माँ ने शेयर कर रखे हैं उनसे वो एक एक इमोशन को हटाने में हमारा हेल्प करते हैं और हमें नया इंसान बनाते हैं माँ। और हमारा हाथ माँ हमेशा पकड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये इस ग्रुप की, ये रूपाली माँ की सबसे 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 स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं एक्चुअली इस ग्रुप से जुड़ पाई और ये सब मैं अकम्प्लिश कर पाई, मेरे एडिक्शन से मैं छुटकारा पा सकी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रूपाली माँ, आपको कोटि 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 प्रणाम। आज अगर मेरे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ लव है, हालांकि मैं अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, पर ये सब जो है इसकी शुरुआत बस आपने करके दी माँ। आप नहीं होते तो अभी भी मैं अपने एडिक्शंस की गुलाम होती, अभी भी मेरे चेस्ट में बहुत सारा हेवीनेस होता जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। पिछले अगर एक साल के ऊपर मैं खुली सांस ले पा रही हूँ, मैं खुद को अगर मैं कोस नहीं रही हूँ, खुद ऐसे एकदम डाउन और एकदम तो ये जो है ये सब 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 आपने कराया है। आपने मेरा पूरा फिजिकली मेंटली इमोशनली पूरा आपने मेरा क्लेंजिंग किया है और आज इसीलिए मैं सबके सामने खड़ी होके ये वीडियो फीडबैक देने का मुझे सौभाग्य मिला है। थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्णा हरि बोल।